सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी एमआई के मोबाइल को यूज़ करते हैं और उसके अंदर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल भी अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए जान लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जान लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं आपको जो है 6 से 7 सोल्यूशन बताऊंगा जिनसे आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आप क्या काम करिएगा, एक बार आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से पावर ऑफ या फिर रिबूट आप कर सकते हैं। ये काम आपको करना होगा। रिबूट करने के बाद आप जो है अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या काम करिए, सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको अपनी सिम को एक बार सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर मैं अपनी सिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब आपको क्या काम करना होगा, आपको देखने को मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम। आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से आप एक बार से रीसेट कर दीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा रीसेट। आप सिंपली से रीसेट कर दीजिएगा। देन आपको क्या काम करना होगा, आपको देखने को मिल जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, आप इस पर टैप कर दीजिए। देन आप देख सकते हैं अगर आपका 3G या फिर 2G पे सिलेक्ट है तो आप उसे प्रेफर LTE पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना होगा। उसके बाद अब आपको क्या काम करना होगा, आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स। आप सिंपली यहाँ पर आइए, ये आपका ऑन ही रहना चाहिए ऑप्शन, ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क, आप सिंपली से ऑन ही रखिएगा। अब ये काम यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद गाइज आपका नेटवर्क यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अबाउट फोन में जाना है। सेटिंग में ही अबाउट फोन में हम आ चुके हैं। देन आपको देखने को मिल जाएगा MIUI वर्जन, यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट आपको कर लेना होगा अगर आपको अपडेट शो होता है तो। ये काम गाइज आपको करना होगा। अब उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती तो गाइज आप क्या काम करिएगा, बैक आ जाइए अपने यहाँ पर फ़ोन वाली एप्लीकेशन में आप आ जाइए। देन आपको क्या काम करना होगा, आप सिंपली यहाँ पर एक कोड को डायल करना होगा आपको, *#*#4636#*#*#। आपको इस कोड को यहाँ से डायल कर देना होगा। देन आपको यहाँ पर टेस्टिंग, यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आपको जो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आप सिंपल फ़ोन इन्फॉर्मेशन में आइए। देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल रेडियो पावर, आप सिंपली से ऑन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ टाइम बाद हमारा नेटवर्क जो है आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा नेटवर्क नहीं आया, तो गाइस जिसे लाने के लिए आप एक बार बैक आ जाइए। आपको जो है रेडियो पावर को ऑन ही रखना होगा। देन आपको देखने को मिल जाएगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन टू, आप सिंपली यहाँ पर आइए। यहाँ से गाइस आप मोबाइल रेडियो पावर को ऑन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हम इसे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद गाइस आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंटरनेट जो है वापस आ चुका है। तो गाइस ये काम आपको करना होगा। अगर आपका ये काम करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वैसे गाइस जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया इनसे जो है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम तब भी फिक्स नहीं होती तो आप क्या काम करिए, एक बार जो है आप यहाँ से अपने मोबाइल को दोबारा से रिबूट कर लीजिएगा। रिबूट करने के बाद आपको जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके MI के मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगी और आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे, आपको दोबारा नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो बस गाइस आज के लिए मेरे को जस्ट आपको इतना बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन बाय गाइस।